बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जो रेसिपी आपको बताऊँगी वो है शीर खुरमा, यानी मीठे की रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 3 किलो दूध लिया है पतीली में, जिसको मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया था। अब मैंने इसे दोबारा से चूल्हे पर रखा है और इसके लिए मैंने सबसे पहले ये चावल, जो कि मैंने 3 घंटे पहले भिगोकर रख दिए थे, इनके साथ ही मैंने 3 छुआरे या खजूरें, इनको भी भिगो दिया था। मैंने इस कप के नाप से 1 कप चावल लिए थे, जिनको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैं इनका पानी हटाकर और इनको हाथ से अच्छी तरह से तोड़कर फिर लेकर आती हूँ। इनका पानी मैंने हटा दिया है और हाथ से चूरा कर लिया है। अब मैं इसमें ये चावल दूध में डाल दूंगी। ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। हमने जो चावल इसमें डाले हैं ये पक जाने तक इनको पकाऊंगी। साथ ही मैं ये दूध, जिसको कि थोड़ा खुश्क करना है हमें और इसमें गाढ़ापन भी लाना है, तकरीबन ये 3 किलो दूध है, पक पक कर ये 2 किलो रह जाए इतना हमें रखना है और इसी में ये चावल भी पकेंगे। कुछ ही देर के बाद इन पकते हुए चावलों में हम ये जो खजूर हमने भिगो कर रखी थी इनके साथ ही ये भी काट कर छोटी कर ली है और इनको भी डाल देंगे। इन सबको एक साथ ही पकाना है। चावल के गल जाने का हम इंतज़ार करेंगे और दूध भी कुछ खुश्क हो जाए। ये देखिए नाज़रीन, हमारे चावल तकरीबन आधे पक चुके हैं और अभी कुछ इसमें कसर है, जिसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तकरीबन मुझे ये पकाते हुए 8 मिनट हो चुके हैं और 8 मिनट में ये तकरीबन आधे पक चुके हैं। चम्मच को मुसलसल चलाना है ताकि ये नीचे चिपक ना जाए, क्योंकि चावल डालने के बाद इनको नीचे चिपकने का खदशा होता है, जिससे इसका टेस्ट मज़ेदार नहीं रहता, तो इसलिए हमें मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और इसे कुछ देर और पकाना है। ये देखिए नाज़रीन, हमारे चावल तकरीबन पक चुके हैं इसी में और दूध भी इसमें खुश्क हो गया है, तो इसके साथ ही हम डालेंगे ये 1 कप सेवैयाँ। इसी कप से मैंने चावल भी लिए थे और इसी कप से मैंने सेवैयाँ भी लिए, जिनको मैंने बारीक तोड़ लिया है और 1 कप हो गई है। अब ये हमें डालूंगी इसी में और चम्मच से मुसलसल हिलाते जाएंगे हम इसे। इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि सेवैयाँ इसमें अच्छी तरह से पक जाएं। उसके बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी। सेवैयों को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये इसमें अच्छी तरह से पक चुकी हैं।
अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं 1 कप डाल रही हूँ। चम्मच को हम मुसलसल चलाते हुए ही पकाएंगे। अब जब ये चीनी पक जाए इसमें, जब तक हम इसे पकाएंगे जब तक चीनी इसमें घुल नहीं जाती। चीनी को पकते हुए भी तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चीनी अच्छी तरह से इसमें पक चुकी है और देखिए ये दूध भी आधा रह गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 इलायची का पाउडर जो कि मैंने पीस लिया है इसी में, और अभी मैं इसे डाल दूंगी और इसे हिला दूंगी। तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। ये हमारा शीर कुरमा रेडी है। अब मैं इसे प्याले में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमने इसे गार्निश कर दिया है बादाम और पिस्ते से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है मेरे शीर कुरमे की, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।